नमस्कार, आप समाचार आज तक देख रहे हैं। स्वागत है आपका दिन भर की ताजा खबरों में। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दोहरे हत्याकांड के आरोपी की जमानत खारिज कर दी गई है। देवंधा हत्या मामले में लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। गोड्डा में एक टायर की दुकान में आग लग गई, लाखों का हुआ नुकसान। गोड्डा जिला में कई जगहों पर मनाया जा रहा है सोहराय पर्व। झारखंड के कई क्षेत्रों में बर्ड फ्लू की आशंका, जांच में लगी है टीम। आज मुख्यमंत्री ने शिबू सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी और केक काटा। दुमका जिले में बजरंगबली मंदिर के सामने भयानक आग लग गई। दुमका जिले के गोपी कांदर प्रखंड में भी मनाया गया शिबू सोरेन का जन्मदिन। पोड़ैयाहाट प्रखंड में एक समाज सेवी महिला के द्वारा अपने मत से किया गया कंबल का वितरण। पहाड़पुर पंचायत के द्वारा दो दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ समापन। अब खबरें विस्तार से, बने रहिए हमारे साथ समाचार आज तक में। गुड्डा नगर थाना के रोहतारा कजिया नदी के पास बीते वर्ष 30 सितंबर 2020 को दिन दहाड़े गोली मार कर दो लोगों की हत्या के मामले में नामजद प्राथमिकी अभियुक्त सोमेश सिंह की जमानत याचिका एडीजे कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। मामले को लेकर मृतक के पिता सुरेश पासवान ने 3 नामजद व अज्ञात पर नगर थाना में मामला दर्ज कराया था। इस घटना में रोहतारा के विनय पासवान व लालपुर के सैलून संचालक निरंजन ठाकुर की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। देवंधा हत्याकांड में छापेमारी जारी है। गोड्डा बालू के अवैध खनन को लेकर बालू माफियाओं की ओर से राजकुमार यादव की हत्या के मामले में मोतिया व मुफस्सिल पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस मामले में अब तक एक नामजद अभियुक्त प्रीतम यादव की गिरफ्तारी हुई, जबकि बाकी अभियुक्त पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस टीम आरोपितों को गिरफ्तार के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। गिरफ्तारी ना होने की स्थिति में पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई के लिए कोर्ट को आवेदन दिया है। गुड्डा सदर प्रखंड के पांडू बथान में सोमवार को एक टायर दुकान सह गैरेज में आग लग जाने से 1 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई। इस घटना की सूचना पाकर अग्निशामन वाहन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया, साथ ही आग के फैलाव को रोका गया। इधर गैरेज मालिक अलाउद्दीन अंसारी ने शंका के आधार पर एक व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए थाना में आवेदन दिया है। जानकारी के मुताबिक सुबह के करीब 7 बजे गैरेज व टायर दुकान के संचालक जब दुकान पहुंचे तो देखा कि आग लगी हुई है। इसकी सूचना अग्निशामन वाहन को दी गई। पहुंची वाहन व अग्निशामन कर्मी JS नायक, सुनील कुमार व रिंकू कुमार सिंह आदि ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखे सारे सामान जलकर राख हो गया। आग लगी की घटना में हवा टंकी, 2 मोटरसाइकिल व 14,000 का टायर जल गया, जिससे कि लगभग 1,45,000 रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है। पीड़ित दुकानदार ने TOD के निर्मल महतो पर दुकान में आग लगाने की शंका जाहिर की है। इस बाबत पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी अशोक सिंह ने बताया कि मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसकी जांच की जा रही है, नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। गोड्डा जिला के ठाकुरगंगटी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी धूमधाम से सोहराय पर्व मना रहे हैं, साथ ही त्यौहार मनाने के दौरान काफी उत्साहित भी दिख रहे हैं। बताया जाता है कि इस त्यौहार में पुरुष, महिला, बच्चे सभी लोग एक साथ शामिल होकर त्यौहार का आनंद उठाते हैं और मांदर के थाप पर महिलाएं खूब थिरकती हुई नजर आती हैं। बजा 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 बजा।
शिकारीपाड़ा में बर्ड फ्लू की आशंका। डीएचओ की टीम ने जांच के लिए मृत पाए गए कौवा, मैना आदि पक्षियों का सैंपल लिया। दुमका शिकारीपाड़ा प्रखंड अंतर्गत ग्राम मोहुल पहाड़ी पोखरिया में बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। यहां कौवे, मैना, बाज सहित कुछ अन्य पक्षी मरे हुए पाए गए हैं। जिला पशुपालन पदाधिकारी की टीम ने मौके से 15 कौवा, 10 मैना सहित पक्षियों का सैंपल जांच के लिए कलेक्ट किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की परमेश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद के मोराबादी स्थित आवास में जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद ने केक काटा और लोगों की शुभकामनाएं स्वीकार की। मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर, विधायक मथुरा महतो, विधायक सीता सोरेन, विधायक बसंत सोरेन व अन्य विधायक उपस्थित थे। दुमका जिला के गोपी कांदर प्रखंड के ब्लॉक रोड जाने वाले बजरंगबली मंदिर के सामने अमीन मंडल उर्फ गोपलाडी मंडल के घर में आग लग गया। आग लगभग 11 बजे रात में लगा था। ग्रामीणों की मदद से आग को बुझाने में काफी कोशिश की गई, लेकिन आग नहीं बुझा पाया। आग लगने की सूचना थाना को भी दिया गया। करीब 2 से 3 बजे के बीच आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। दुमका जिला के गोपी कांदर प्रखंड कार्यालय में जीएमएम के गुरुजी शिबू सोरेन का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर जीएमएम के गोपी कांदर प्रखंड अध्यक्ष संतोष मरांडी ने केक काटकर शिबू सोरेन का जन्मदिन मनाया और एक बच्चे को केक खिलाकर माननीय शिबू सोरेन की हार्दिक बधाई दी। इस अवसर पर बधाई संदेश देते हुए कार्यालय पर उपस्थित सदस्यों के नाम जेएमएम मीडिया प्रभारी निजू मंडल, पोलिना बास्की, दशरथ भगत, मनोज चांद, बदुल मिरिया, रमेश मंडल, अनित सिंह, अमरनाथ भगत, पंकज मंडल, परेश मंडल, हपना बास्की एवं अन्य लोग उपस्थित थे। नजर आप देख रहे हैं समाचार आज तक। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पोड़ियाहाट प्रखंड के अंतर्गत बांझी पंचायत की। बांझी पंचायत में भी ऐसे एक समाज सेवी हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि वो इनके पहले क्या क्या समाज सेवा किए हैं और अभी क्या समाज सेवा कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? माधुरी देवी। तो आप समाज सेवा करने का खास मकसद क्या है आपका? कुछ नहीं से, मतलब गरीबों में चाहते हैं कि ठंडा का समय है, कुछ कम्बल वगैरह देना चाहिए, चल फिर नहीं सकती है तो इसका है। किसको आप कम्बल वितरण कर रहे हैं? गरीबों को, किस व्यक्तियों को? गरीब ये योजनाएं सबको, गरीब जैसे कोई नहीं है उसका देखने सुनने वाला। अच्छा, गरीब गुरबा पिछड़ा हुआ जो हाँ, है विकलांग विधवा इस तरह अपाहिज लोगों को समाज सेवा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसमें आपका कुछ खास उद्देश्य भी है? कोई उद्देश्य नहीं है, हमको दे रहे हैं जो नहीं देखा जा रहा है, जो नहीं बहुत गरीब है उसको चाहिए। तो आपके द्वारा कितना कंबल का वितरण होगा? 25 कंबल की। ये अपना पर्सनली है? पर्सनल है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज छात्र चेतना संगठन पहाड़पुर पंचायत इकाई द्वारा 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ। क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि छात्र चेतना संगठन के क्षेत्रीय प्रभारी राजीव मिश्रा एवं विशिष्ट अतिथि प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदित्य मंटू ओझा एवं जिला कार्य समिति सदस्य गुलशन गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। समापन समारोह सह पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राजीव मिश्रा ने कहा कि कुछ दिन पहले हम सभी वैश्विक महामारी कोरोना से उभर पाए हैं। हमने जिस प्रकार सूझबूझ दिखाकर कोरोना जैसे आपदा से लड़ाई की है, उसके लिए ग्रामीणों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। राजीव ने कहा कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में युवा देश में अपना परचम लहराने में सफल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्र चेतना संगठन विगत 22 वर्षों से युवाओं के प्रतिभा को सबके समक्ष लाने का कार्य कर रहा है। आज उसी का नतीजा है युवाओं में संगठन की लोकप्रियता।
दिनों दिन बढ़ती जा रही है। राजीव ने कहा, छात्र चेतना संगठन का उद्देश्य है युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ स्वाभिमानी एवं स्वावलंबन बनाना।